हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि देख रहे हो, गुड न्यूज। कैसे अगर आपका सीएसआई नेट नहीं निकला तो फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आपका कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट ले सकते हैं। दिमाग घूम रहा है कैसे? तो आओ बात करते हैं, आखिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोई घबराने की बात नहीं है, फिर भी आप एक अच्छी रेपुटेड जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेजेस में लेक्चरर की ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ मेरे सेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर शाम को 7 बजे इसी चैनल पर, और 10 बजे आप टेक्स्टबुक के ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन रखें, बहुत कुछ अपडेट आपको मिलता रहता है। आओ भाई, दिमाग तो घूम रहा है आपका कि आखिर कैसे, गुड न्यूज तो है, कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर नेट नहीं निकला तो। आपने एक टर्म तो सुनाई है, कौन सा? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। ये एग्जाम आपका सेंट्रलाइज ना होके ये स्टेट लेवल पर एग्जाम है भाई। जो हम सीएसआई नेट एग्जाम दे रहे हैं वो तो आपका एक नेशनल लेवल एग्जाम हो गया, लेकिन हो क्या रहा है, अलग अलग स्टेट भी अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका निकाल रहे हैं। सारे स्टेट में नहीं निकलता, लेकिन हाँ, मैक्सिमम स्टेट्स में ये टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है। तो हमने बोला इस एग्जाम के थ्रू, आप थ्रू सेट एग्जाम, द एलिजिबिलिटी इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विद इन द यूनिवर्सिटी, या फिर कॉलेजेस में जो लेक्चरर की पोस्टेड है पोस्ट है उनके लिए आप इस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं। मान लो आप किसी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश का अपना सेट हो रहा है, आप उस सेट को एग्जाम को निकाल लें। अभी राजस्थान ने अपना सेट कंडक्ट करवाया था, तो वहां अगर आपने उस सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप राजस्थान में अगर यूनिवर्सिटी पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें आएंगी तो उसको फिल करने के लिए कैपेबल हो गएंगे। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया कि टू अप्लाई फॉर द सेट एग्जाम नीड टू बी हैविंग अंडर एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेट नोटिफिकेशन। क्योंकि क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग आपके एग्जाम्स हैं भाई। स्टेट यूनिवर्सिटीज ये कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैंने कहा उत्तराखंड सेट अभी अभी हुआ है जनवरी में, तो भाई उत्तराखंड स्टेट में उत्तराखंड की कोई यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही होगी, तो उत्तराखंड के सारे कैंडिडेट कैपे एलिजिबल हो गए। तो उत्तराखंड में अगर कोई अब लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है और आपने उत्तराखंड सेट क्वालिफाइड किया है तो आप एलिजिबल हो गए। हाँ, ऐसा भी है, अगर आपने सेट नहीं निकाला, नेट निकाल दिया, तो नेट तो आपका ओवरऑल इंडिया बेस पर एलिजिबल हो गए ना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये देखो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आपका इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, जैसे तमिलनाडु सेट आता है, आंध्र प्रदेश सेट निकलता है, हिमाचल प्रदेश सेट अभी हुआ था, जम्मू सेट जेएनके ये भी रेगुलर आ रहा है, राजस्थान सेट अभी 2023 में ही हुआ है, वेस्ट बंगाल सेट, गुजरात सेट हर बार आ रहा है, और आपका महाराष्ट्र सेट भी है। तो महाराष्ट्र सेट तो अभी आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो ऐसे और भी स्टेट हैं जो कहीं ना कहीं एक रेगुलर बेसिस पर आपका सेट एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम देने भी जरूरी है। तो आप बिल्कुल निराश हताश ना हो, ये एग्जाम से निकाल के आप अपने स्टेट के उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम देखो, आप एग्जाम सेंटर, अगर आप सपोज करो ऐसा नहीं कि अगर आप, मैं आपका महाराष्ट्र का हूं और अगर आपका एचपी का सेट आया तो एचपी सेट नहीं दे सकता भाई, दूसरे स्टेट के लिए भी सीटें रिजर्व हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन ध्यान में ये रखना कि आपको, अगर आपने सपोज करो जिस स्टेट का सेट एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एग्जाम देने के लिए उसी स्टेट पर जाना पड़ेगा, तो आप पहले से थोड़ा सा माइंड सेट करके रखेंगे। अब देखो अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने यहां पर महाराष्ट्र सेट की बात कर दी, मैंने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं महाराष्ट्र सेट भाई, क्योंकि हर एक स्टेट का जब ये एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसके अपने अपने नोटिफिकेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अपने वैरी हो सकते हैं, इसलिए सारों को अभी लाना एक साथ सही नहीं है। जब जब जो जो नोटिफिकेशन आएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है, आपको सारी नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलेगी। तो जैसे अगर मैं महाराष्ट्र सेट की बात करूं, तो जो एग्जाम है वो आपका 7th अप्रैल को है, इसके फॉर्म फिलिंग की डेट ऑलरेडी निकल जा चुकी है, तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया है। अब हम इसी प्लेटफॉर्म पर इन एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे होंगे, तो हम साथ मेरे साथ शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, ये एग्जाम होगा, कोई दूसरे स्टेट का सेट एग्जाम आ जाएगा,
फिर किसी तीसरे का आ जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट के हो तो आप अपने आप को अलर्ट रखो, मेरे साथ कनेक्ट रहे हो, तो आपका कोई भी एग्जाम क्या होगा, मिस नहीं होगा। अब देखो जब पेपर की हम बात कर रहे होते हैं तो पेपर इसमें क्या होता है कि जो पेपर वन है, एक पेपर वन हो रहा है और आपका एक पेपर टू हो रहा है। पेपर वन स्टेट जब आपका ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। जैसे जनरल पेपर हो सकता है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का जीके उसमें पूछा जा रहा हो पेपर वन पे, ठीक है। तो वो पेपर वन कहीं ना कहीं एक जनरल पेपर है, और उसके बाद जो पेपर टू होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें आप अपना मैक्सिमम स्कोर कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए इन माइंड पर रखोगे कि हाँ नेट तो है ही है, नेट देंगे, नेट के साथ साथ ये जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स आ रहे हैं इनको भी देंगे, इनको देने के बाद हम अपने उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो एलिजिबल हो ही गए हैं, तो एटलीस्ट इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और आप कनेक्टेड रहें, पढ़ते रहें। तो मैं इन सारी चीजों की तैयारी, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस के अंदर, तो मेरे साथ आप कनेक्टेड होना ना भूलें। मैं आपको शाम को 7 बजे YT पर मिलता हूँ, YouTube सेशन पर मिलता हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, बहुत कुछ फायदा होगा। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि और भी आपके दोस्तों को क्या हो, इन सब सारी चीजों की नॉलेज मिले और वो भी अपने आप को एक बेस्ट सुटेबल जोन पर फिट कर पाए, ठीक है। थैंक यू ऑल।